तो बड़ा शरीर दुखता है, ऐसा लगता है कि यार क्यों कर रहे हैं हम ये सब, क्या जरूरत है। तो मुझे भी ऐसे ही लगा था, मैं भी ऐसे बहाने ढूंढता था कि कैसे कुछ बहाना मारूं कि मैं ग्राउंड पे नहीं जा पाऊंगा और नहीं जा सकता। तो नॉर्मल स्टूडेंट 20 मीटर तक ही थ्रो कर पाते हैं, लेकिन उसने 25 प्लस जब थ्रो लगाई तो हमें ये लगने लगा था कि ये जेवलिन के लिए ही नीरज बना है। उसके बाद जब मैंने जेवलिन शुरू कर दिया, उसके बाद तो फिर पूरा उसके लिए मतलब जो एक जुनून होता है वो अपने आप ऑटोमेटिक वो बन गया। जैसे 83 मीटर का हमारा ओलंपिक क्वालिफिकेशन था उस टाइम रियो ओलंपिक के लिए, तो कुछ सेंटीमीटर से उस टाइम रह गया था, तो थोड़ा सा एक अच्छे के साथ साथ थोड़ा ये भी लगा था कि यार क्वालिफाई हो जाता तो और बढ़िया रहता। एथलीट की लाइफ है ये कि बड़े बड़े एथलीट भी जिस दिन परफॉर्म करना होता कई बार नहीं कर पाते। 2018 में कॉमनवेल्थ और एशियन गेम हुए तो वो घर पे ही प्रॉमिस करके ही निकला कि अंकल मैं बेस्ट करूंगा। उसमें उसका अंडर 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, वो चैनल पे हर टीवी के ऊपर वो चीज आने लगी। मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे आवाज सुनते कि यार बड़ा सम्मान की बात है। नीरज को जब एल्बो इंजरी हुई थी उसने हमारे को बताया, एक दो गेम भी उसने मिस किया। नीरज के दिमाग में कुछ ऐसी चीजें पैदा हो गई कि शायद ये उसके कैरियर को ले ना डूबे। ऐसा लगता था कि यार पता नहीं कैसा कमबैक होगा, मन में ये विचार आता रहता था कई बार, थोड़ा फील तो होता था, लेकिन मैं फिर अपना जब ट्रेनिंग पे जाता था तो उस पर ध्यान देता था। बढ़िया था। ये तो है कि हाँ एक अलग सी फीलिंग है और कुछ ऐसा हुआ है कि हाँ यार मतलब कुछ अलग हुआ है। आपकी वजह से भारत का जो तिरंगा है वो ऊंचा लहराया है। मैं बोलता हूँ कि जो खिलाड़ी मेडल नहीं जीत पाए या जो अच्छा नहीं कर पाए उनको भी सपोर्ट करें, ताकि वो हिम्मत ना हारे, उनको जितना हो सके सपोर्ट करें ताकि वो ऐसे अपनी मेहनत करते रहे और आगे मेडल जीतते हैं।